इज गायनेकोमेसिया अ सीरियस प्रॉब्लम? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर, आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जो गायनेकोमेसिया प्रॉब्लम है वो कितना सीरियस इशू है पेशेंट्स के लिए। देखिए, आपने हमारे पहले वाले वीडियोस में भी जो इसे देखा होगा कि गायनेकोमेसिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रीजन होता है गायनेकोमेसिया होने का वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और वो उसे हम फिजियोलॉजिकल कैटेगरी में डालते हैं, मतलब वो किसी डिजीज प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो जब गायनेकोमेसिया डिजीज प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होता है तो जो इम्पैक्ट आता है, जो प्रॉब्लम पेशेंट को फील होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोलॉजिकल होती है। वो अपनी बॉडी को लेके, अपनी सेल्फ इमेज को लेके एक नेगेटिव साइकी डेवलप कर लेते हैं, और वो जो नेगेटिव साइकी है वो वेरी कर सकती है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट्स में काफ़ी कम लेवल पे ये नेगेटिव साइकी डेवलप होती है और वो उनका जो कंसर्न होता है ब्रेस्ट के साइज को लेकर के वो ज़्यादा नहीं होता है और वो नियर नॉर्मल लाइफ अपनी लीड कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक एक बहुत चाहे लो लेवल पे एक नेगेटिव साइकी भी उनमें डेवलप होती है। इसके बाद ये जो नेगेटिव साइकी है ये वेरी कर सकती है मॉडरेट और सिवियर लेवल तक भी। तो जिन पेशेंट्स में ये नेगेटिव साइकी इतनी सिवियर हो जाती है कि वो खुद की बॉडी को लेके, अपनी सेल्फ एस्टीम को लेके कंफर्टेबल फील नहीं करते, डे टू डे लाइफ का जो उनका रूटीन है वो हैम्पर होता है, उनका जो क्लोथिंग पैटर्न है वो हैम्पर होता है, वो सोशलाइज करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, लोगों से मिलने जुलने में कंफर्टेबल नहीं रहते, वो अपना पोस्चर मॉडिफाई कर लेते हैं, अपना बॉडी हैबिटस, बॉडी स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लेते हैं इस तरह से कि उनका जो गायनेकोमेसिया है वो बाहर से कम विजिबल रहे लोगों को। उन केसेस में डेफिनेटली गायनेकोमेसिया एक सीरियस कंसर्न होता है, क्योंकि उन केसेस में गायनेकोमेसिया होना उनका जो डेली रूटीन है उसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है और वो एक इस लेवल की नेगेटिव साइकी डेवलप कर लेते हैं कि वो लोगों से बात करना भी बंद कर देते हैं। सो उन केसेस में बिना सर्जरी के, बिना फ्लैट चेस्ट के, बिना चेस्ट की शेप को नॉर्मलाइज किए वो पेशेंट अपना सेल्फ एस्टीम वापस गेन नहीं कर सकते हैं, वो जो नेगेटिव साइकी है उससे वो नहीं निकल सकते हैं। तो उन केसेस में डेफिनेटली गायनेकोमेसिया इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अदरवाइज जो पेशेंट्स कंफर्टेबल हैं चेस्ट की शेप से, ब्रेस्ट के साइज से, उनके लिए डेफिनेटली इट्स नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम जिनके अंदर की गायनेकोमेसिया डेवलप होता है, तो देखिए डेफिनेटली उन कंडीशंस में गायनेकोमेसिया पर से इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। बट हाँ, जिस बीमारी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गायनेकोमेसिया हो रहा है, वो जो बीमारी वाला एस्पेक्ट है वो डेफिनेटली एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक सीरियस कंसर्न है जिसे प्राइमरीली मैनेज किया जाना चाहिए। और जब उस डिजीज प्रोसेस को मैनेज करते हैं तो गायनेकोमेसिया के साइज में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आता है और पेशेंट को दोनों तरह से बेनिफिट होता है। एक जो डिजीज़ है जिसे कि सीरियसली ट्रीट किया जाना चाहिए, और प्लस चेस्ट का शेप और ब्रेस्ट का साइज जो कि एक नेगेटिव साइकी इंड्यूस कर रहा है पेशेंट के अंदर, वो दोनों चीज़ें मेडिसिन से उन केसेस में काफ़ी हद तक मैनेज हो सकती हैं। लेकिन इस तरह का पेशेंट्स का प्रपोर्शन जो है वो काफ़ी कम होता है। मोस्टली पेशेंट्स जो गायनेकोमेसिया से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें कॉज फिजियोलॉजिकल या प्यूबर्टल या नॉन डिजीज रिलेटेड होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो पेशेंट्स को बॉदर करता है वो ये करता है कि आगे जाके इस गायनेकोमेसिया में अगर वो सर्जरी नहीं करवाते हैं तो कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, नहीं कराने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो उन केसेस में एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स के अंदर देखा गया है कि वेरी रेयरली आगे जाके पोस्ट मिडिल एज अराउंड 40-45 की एज पे, 50 की एज में कैंसर होने की संभावना रहती है। लेकिन इन पेशेंट्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। बट इन पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो रेगुलर फॉलोअप में रहें अपने डॉक्टर के, सो दैट अगर इस तरह की कुछ सीरियस इशू, सीरियस कंसर्न डेवलप होना शुरू हो तो वो टाइमली डायग्नोज हो जाए और टाइमली मैनेज हो जाए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गायनेकोमेसिया प्यूबर्टल या फिजियोलॉजिकल होता है और नॉन डिजीज रिलेटेड होता है, एंड इट्स नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। बट डेफिनेटली अगर वो आपकी साइकी को और सेल्फ एस्टीम को नेगेटिवली डैमेज कर रहा है और या फिर वो किसी डिजीज प्रोसेस से रिलेटेड है तो ये एक सीरियस कंसर्न है, सीरियस प्रॉब्लम है जिसको कि टाइमली इंटरवेंशन करके या टाइमली मेडिसिन से मैनेज किया जाना चाहिए सो दैट पेशेंट अपनी नॉर्मल जो लाइफ है वो जल्दी से जल्दी रिज्यूम कर सके और एक जो नेगेटिव साइकी और एक लो सेल्फ एस्टीम वाली जो कंडीशन है उससे वो जल्दी से जल्दी बाहर आ सके।
इस वीडियो से रिलेटेड या गायनेकोमीजिया से रिलेटेड आपकी कुछ और भी अगर क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो नीचे लिखे हमारे नंबर पे हमें कॉल करें या फिर नीचे लिखे ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस और क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।